तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन और इन्फ्लामेशन के थ्रू कैसे विश्व के साइन आते हैं, एक साइंटिस्ट था विश्व, उसने 5 कार्डिनल साइन दिए थे। 5 कार्डिनल साइन इनको वर्चुअल साइन कहते हैं, यानी कार्डिनल साइन दिए थे 5 कार्डिनल साइन। ये इन्फ्लामेशन के थ्रू ये कैसे दिखाई देते हैं, ठीक है। नॉर्मली जब इन्फ्लामेशन, जो सबसे पहला है ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, बड़ा हुआ इसमें, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरल या फिर कोई इंजरी। तो सेल वॉल होती है, कोई भी अगर बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी इंजरी होगी है, तो सबसे पहले हमारी सेल डिस्ट्रक्ट होती है। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल, डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रक्ट होती है। और सेल मेम्ब्रेन, मैंने सेल में बताया कि सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की। तो सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रक्ट होगी या डिस्ट्रक्शन होगा सेल मेम्ब्रेन का, क्या बनेगा, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर डिस्ट्रक्शन सेल मेम्ब्रेन, कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर अफेक्ट करेगा सेल मेम्ब्रेन को, फॉस्फोलिपिड बनेगा। और फॉस्फोलिपिड के ऊपर फॉस्फोलाइपेज लिपिड, तो लाइपेज लिपिड को कौन करता है, लाइपेज किसमें होता है, पैंक्रियास के अंदर, जब सिस्टिक फाइब्रोसिस, जो एक्सोक्राइन डिसऑर्डर है, ठीक है, ये मोस्टली करता है पैंक्रियास के अंदर। पैंक्रियास के अंदर होता है लाइपेज है, काइमोट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन है, ये लाइपेज, जो लाइपेज होता है वो लिपिड का करता है। और फॉस्फो लिपिड है तो फॉस्फोलाइपेज, एंजाइम का नाम क्या हो गया, फॉस्फो लाइपेज एंजाइम, फॉस्फोलिपेज एंजाइम फॉस्फोलिपिड को एराकिडोनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देगा, एराकिडोनिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड। और एराकिडोनिक एसिड कैसे है, 20 सी टाइप्स के, यानी एसेंशियल एमिनो एसिड, ये एसेंशियल एमिनो एसिड है। सेल वॉल डिस्ट्रक्ट हुई तो फॉस्फोलिपिड बन गया, फॉस्फोलिपिड के ऊपर फॉस्फोलाइपेज एंजाइम काम हुआ, तो एराकिडोनिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। इसके ऊपर दो एंजाइम काम करते हैं एराकिडोनिक एसिड के ऊपर, एक तो होता है लिपोऑक्सीजिनेज, एक होता है लिपोऑक्सीजिनेज, और एक होता है लिपोऑक्सीजिनेज, एक होता है साइक्लोऑक्सीजिनेज, साइक्लोऑक्सीजिनेज। ये मोस्टली इन्फ्लामेशन के बारे में पूरा आएगा कि कैसे टेम्परेचर बढ़ता है, कैसे पेन होता है, कैसे स्वेलिंग होती है, कैसे रेडनेस आती है, ये पूरे साइन इसके अंदर आएंगे। सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रिक हुई तो फॉस्फोलिपिड बना, फॉस्फोलिपिड के ऊपर फॉस्फोलाइपेज एंजाइम काम किया, तो एराकिडोनिक एसिड जो एसेंशियल एमिनो एसिड है, इसके ऊपर दो एंजाइम ने काम किया, एक तो साइक्लोऑक्सीजिनेज, लिपोऑक्सीजिनेज, और ये कॉक्स साइक्लोऑक्सीजिनेज, OX, OX और ये L, LOX और ये COX, ऐसे वैसे भी आती है COX2 inhibitor, LOX inhibitor, तो COX और LOX, cyclooxygenase, जब arachidonic acid के ऊपर cyclooxygenase काम करता है तो 3 एंजाइम बनते, 3 पार्ट बनते हैं टोटल। एक होता है प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टा
प्रोस्टाग्लैंडिन, एक बनता है प्रोस्टासाइक्लिन, प्रोस्टासाइक्लिन, और एक बनता है थ्रोम्बोक्सेन ए टू। एक प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन और थ्रोम्बोक्सेन ए टू, और ये बनता है ना ल्यूकोट्रिएंट। जब लिपो ऑक्सीजनेज काम करेगा तो ल्यूकोट्रिएंट बनेगा। और ल्यूकोट्रिएंट मॉनली क्या करता है, ये स्मूथ मसल होती है, ल्यूकोट्रिएंट स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्शन करता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर या कोई इंजरी होती है, इंजरी के दौरान जो ऊपर वाली जो लेयर होती है सेल के ऊपर क्या होती है, इसको कवर करती है फॉस्फोलिपिड की जो मेम्ब्रेन होती है। तो ये डिस्ट्रिक्ट होती है फॉस्फोलिपिड बनेगा, फॉस्फोलाइपिड एंजाइम काम किया था एराकिडोनिक एसिड जो एक एसेंशियल एमिनो एसिड है, इसके ऊपर दो एंजाइम काम करता है, एक लिपो ऑक्सीजनेज एक साइक्लो ऑक्सीजनेज। लिपो ऑक्सीजनेज काम करता है तो ल्यूकोट्रिएंट बनता है, जो स्मूथ मसल होती है बॉडी के अंदर उसके कॉन्ट्रेक्शन के काम करता है, ये है ल्यूकोट्रिएंट। इसको इनहिबिट करने के लिए हम देते हैं जोफिल्यूकास्ट और एक होता है मोंटिल्यूकास्ट। ड्रग्स आती है जिसको ये ल्यूकोट्रिएंट जो इनहिबिटर है, ये ल्यूकोट्रिएंट इनहिबिटर है, यानी ल्यूकोट्रिएंट को इनहिबिट कर देगी तो स्मूथ मसल होती है फ्री हो जाएगी, कॉन्ट्रेक्शन नहीं होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेनली ये आते हैं साइक्लोऑक्सीजिनेज, एक प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन और थ्रोम्बोक्सेन ए टू। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या काम करता है, ये होती है हमारी ब्लड वेसल्स जिसके अंदर ब्लड सर्कुलेट होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेगा, वैसोडाइलेशन कर देगा, वैसो यानी ये वैसोडाइलेशन का काम करता है, वैसोडाइलेशन, प्रोस्टाग्लैंडिन वैसोडाइलेशन कर देगा, यानी ये यहां पर वेसल्स अगर डायलेट हो गई तो ब्लड बाहर आएगा, और ब्लड जैसे पहले बाहर आएगा सबसे पहले जो साइन होगा ये ध्यान से देखना, इसमें आएंगे हमारे कार्डिनल साइन। सबसे पहले ये ब्लड जब वैसोडाइलेशन होगा तो सबसे पहले रेडनेस होगी, क्या होगी, रेडनेस। ठीक है, और जैसे जैसे ये फ्लूइड बाहर आएगा तो होगा हमारा एडिमा, पहले रेडनेस होगी फिर थोड़ा एडिमा आएगा इन्फेक्शन कारण, और एडिमा होगा तो पेल भी होगा ऑब्वियसली, जो सेंस हमारे ब्रेन की तरफ लेके जाएंगे तो पेल होगा। ठीक है, और पेल होने के बाद में पेल होगा तो यहां पर ये केमिकल मैसेंजर रिलीज होगा, यानी ये प्रोस्टासाइक्लिन, प्रोस्टासाइक्लिन क्या करेगा, केमिकल मैसेंजर रिलीज करेगा, ये प्रोस्टासाइक्लिन केमिकल मैसेंजर रिलीज करेगा, केमिकल प्रोस्टासाइक्लिन केमिकल मैसेंजर रिलीज करेगा किसके पास, हाइपोथैलेमस के पास, हाइपोथैलेमस के पास। और हाइपोथैलेमस क्या होता है, हमारे जो टेम्परेचर का जो रेगुलेशन करता है बॉडी के अंदर वो है हाइपोथैलेमस, यानी टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर, टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर। तो बॉडी के अंदर टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर कौन सा है, हाइपोथैलेमस। जब यहां पर पेन होगा तो प्रोस्टासाइक्लिन केमिकल मैसेंजर रिलीज करेगा हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस एक क्या है, टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर है, तो ये बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देंगे, तो इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी का जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये नॉर्मली जो यहां पर ब्लीडिंग होने शुरू हो जाएगी, जो ये पेन एडिमा होगा तो यहां पर क्लोटिंग फैक्टर इकट्ठा होने जाएंगे। थ्रोम्बोक्सेन ए2 क्या करता है, इंक्रीज क्लोटिंग फैक्टर, इंक्रीज
क्लोटिंग फैक्टर, तो यहां पर लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा, लॉस ऑफ फंक्शन, जो सेल होगी वहां की उसका फंक्शन लॉस हो जाएगा क्योंकि यहां पर डिस्ट्रक्शन हो गई है। तो सबसे पहले क्या हुआ, कोई भी इथियोलॉजिकल फैक्टर या कोई इंजरी सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रक्ट करती है, तो सेल मेम्ब्रेन बनती है फॉस्फोलिपिड से, तो फॉस्फोलिपिड में टूट जाएगी और ये फॉस्फोलिपिड के ऊपर फॉस्फोलाइपेज एंजाइम होता है वो काम करेगा और एराकिडोनिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। एराकिडोनिक एसिड के ऊपर दो एंजाइम काम करेंगे, एक लिपोऑक्सीजिनेज और एक साइक्लोऑक्सीजिनेज। लिपोऑक्सीजिनेज के ऊपर काम करेगा तो ल्यूकोट्रिएंट बनेगा। ल्यूकोट्रिएंट क्या करता है, स्मूथ मसल को कॉन्ट्रेक्शन करता है। तो ये ल्यूकोट्रिएंट जो रिसेप्टर होता है, ल्यूकोट्रिएंट इनहिबिटर हम यूज करेंगे ताकि इस स्मूथ मसल जो कॉन्ट्रेक्शन हो रही है इसको हम रिलैक्स कर सके। तो जोफिर ल्यूकास और मोंटिर ल्यूकास दो नाम की ड्रग्स आती है जो ये ल्यूकोट्रिएंट इनहिबिटर होती है वो। और सेकेंड है हमारा साइक्लोऑक्सीजिनेज, थ्री टाइप्स बनते हैं ये, एक प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन और थ्रोम्बोक्सेन A2। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन वेसल्स के डायलेशन कर देगा। तो वेसल्स का डायलेशन होता है, उससे पहले हमारा जो होगी वहां पर होगी रेडनेस, जो ये फ्लूड यहां पर इकट्ठा होगा तो होगी एडिमा। एडिमा होगा तो सेंस जाएगा ब्रेन के पास और प्रोड्यूस होगा हमारा पेन होगा। ठीक है, पेन होते ही प्रोस्टासाइक्लिन एक केमिकल मैसेंजर को रिलीज करेगा जो हाइपोथैलेमस में जाएगा, और हाइपोथैलेमस क्या है, एक टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर है, तो ये बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देगा, तो इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। और इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर हो गया, यहां पर सेल इकट्ठा हो रहा है तो यहां पर थ्रोम्बोक्सिन A2 काम करेगा और इंक्रीज क्लोटिंग फैक्टर बना देगा और वहां पर थक्का बना देगा, तो हमारा यहां पर फंक्शन हो गई लॉस। तो पहला है रेडनेस, पहला है हमारे रेडनेस, ठीक है, दूसरा है हमारे रेडनेस को कहते हैं रबर, रेडनेस है उसको रबर। ठीक है, ये विच ने नाम दिया था, ये पास हो गई साइन 1, 2, 3, 4 and 5, रेडनेस को रबर बोला उसने, और एडिमा यानी स्वेलिंग होगी तो ट्यूमर शेप की हो गई तो इसको बोला ट्यूमर, पैन को बोला डॉलर, और कैलोरी मतलब एनर्जी, तो बॉडी का जो टेम्परेचर बढ़ा उसको उसने बोल दिया कैलर, और लॉस ऑफ फंक्शन को फंक्शनल एशिया। तो विश्व नाम का साइंटिस्ट था, उसने कहा कि इंफ्लामेशन के दौरान ये 5 तरह के साइन आते हैं, रबर, ट्यूमर, डॉलर, कैलर और फंक्शनल एशिया। तो हमने आज देख लिया कि इंफ्लामेशन के दौरान कैसे वैसो डायलेशन होगा, तो रेडनेस होगी, एडिमा होगा तो साइंस जाएगा ब्रेन के पास, तो पेन होगा, पेन अगर ये प्रोस्टासाइक्लिन होगा, प्रोस्टासाइक्लिन केमिकल मैसेंजर रिलीज करेगा हाइपोथैलेमस के पास, हाइपोथैलेमस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देगा तो इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, उसके बाद थ्रोम्बोक्सिन A2 वहां पर जमा होके क्लोटिंग फैक्टर वहां जमा हो जाएंगे और इसका करेंगे क्लोटिंग फैक्टर इकट्ठा हो जाएंगे और क्लोट बना देंगे, तो वहां पर लास्ट में ब्लड की जो सेल का है उसका फंक्शन लॉस हो जाएगा, तो फंक्शनल एशिया। ये होते हैं इंफ्लामेशन के दौरान कैसे विश्व साइन आते हैं। थैंक यू टू सी।